दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMT न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियोस सबसे पहले। वेटरन साउथ एक्ट्रेस कृष्णा कुमारी का 85 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बेंगलुरु स्थित घर पर आखिरी सांस ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थी और पिछले कुछ साल से उनका इलाज चल रहा था। कृष्णा को 60 की तेलुगु, तमिल और कन्नड़ फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्होंने एंटी रामा राव, शिवाजी गणेशन, कांता राव, नागेश्वर राव और जगिया जैसे एक्टर्स के साथ काम किया था। कृष्णा कुमारी ने फिल्म पाताल भैरवी से डेब्यू किया था, हालांकि इस फिल्म में उनका छोटा रोल था। इसके बाद उन्होंने बतौर हीरोइन पहली बार फिल्म नवीथे नवरत्नलू में काम किया। उन्होंने 150 सेकंड ज्यादा तेलुगु फिल्मों में काम किया। इसके अलावा करीब 30 तमिल और कन्नड़ फिल्में भी की। कृष्णा कुमारी ने स्क्रीन मैगजीन के फाउंडर और बिजनेसमैन अजय मोहन खेतान से शादी की थी। उनकी एक बेटी है जिसका नाम दीपिका है। शादी के बाद कृष्णा कुमारी लाइमलाइट से दूर हो गई थी। कृष्णा कुमारी बेटी दीपिका और दामाद विक्रम के साथ बेंगलुरु में ही रहती थी।